हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दोनों की किस प्रकार से हम परसेंटेज का निशान बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने परसेंटेज का साइन लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज का निशान बना हुआ आ रहा है। जब भी मैं परसेंटेज निकालूंगा तो यहाँ परसेंटेज का साइन जो है अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, रानी सिंह, वो लिख दिया हमने। और यहाँ पे मार्क्स लिखा हमने, कोई भी मार्क्स हो हम यहाँ लिखते जाएंगे। तो अभी देखिए, यहाँ टोटल तो अपने आप आ गया, और यहाँ पर टोटल मार्क्स हमें देना होगा खुद से, यहाँ दे दिया हमने। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज अपने आप आ गया, यहाँ परसेंटेज का साइन भी बन के आ रहा है, निशान भी लगा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। अगर ये करना है तो कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ दो डेटा को कंबाइन करेंगे। ये जो डेटा आपको दिख रहा है, जो मैं बनाने वाला हूं, इसको भी और एक और अन्य डेटा को लेकर के हम दोनों को कंबाइन कराएंगे और देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसे रिसाइज कर देता हूं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। इसमें मैंने क्या दिया हुआ है, इसमें स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है, तो इसमें भी स्टूडेंट आईडी ही हम कर देंगे। चेंज करना है यहाँ से नाम, तो क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे, और यहाँ से आईडी को हम स्टूडेंट आईडी में कन्वर्ट कर देंगे। लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आईडी लिखने के बाद अब हम वापस आ जाएंगे डेटा शीट व्यू में, सेव करेंगे इसको। अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे हमें नंबर देने हैं। जैसे मान लीजिए 66 दे दिया हमने, 88 दे दिया हमने, या फिर 77 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 77, और बायो कुछ मार्क्स दे दिए। तो हम चाहते हैं यहाँ पे जो टोटल आए वो अपने आप आ जाए, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स अपने आप आ जाए, परसेंटेज भी अपने आप आ जाए टोटल लिखने के बाद। तो ये हम कैसे करेंगे, यही हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करिए और डिजाइन व्यू पे चलिए। अगर आपको सुधार करना है टाइटल में तो आप डिजाइन व्यू पे जाकर के आप सुधार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको बायोलॉजी देना था, तो यहाँ डिजाइन व्यू पे जाइए और यहाँ पे जो बायो लिखा हुआ है ना, इसको बायोलॉजी बना दीजिए। फिलहाल हमें कोई इसमें इंप्रूवमेंट करना नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आते हैं वापस डेटा शीट व्यू पे, हमें कहाँ जाना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और क्रिएट के बाद यहाँ पे क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करना है। क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करके और हमारा जो रिकॉर्ड है पीरियोडिक टेस्ट 2 है, तो इस पे क्लिक करिए, इसको ऐड करा दीजिए, और ऐड कराने के बाद इसको डबल क्लिक करते जाइए और यहाँ पर ये इंसर्ट होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये लाइन से पूरा इंसर्ट करा लीजिए आप, फिर यहाँ बायो, फिर यहाँ ऑप्टेन मार्क, तो टोटल मार्क और देन परसेंटेज। ये सारे इंसर्ट कराने के बाद यहां देख लेते हैं इंसर्ट हो गया नहीं, यहां हो चुका है। अब हमको परसेंटेज में साइन बनाना है परसेंटेज का, तो यहां पे क्लिक रखिएगा जहां परसेंटेज आपने लिखा है, और यहां पर क्लिक करने के बाद आप आ जाइएगा फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट में आने के बाद यहां पे क्लिक कीजिएगा और यहां पे आप परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही परसेंटेज पे क्लिक करेंगे यहां पे परसेंटेज लिखा हुआ आ जाएगा, और आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे निकालना है, जैसे ऑप्टेन मार्क निकालना है। हमको कैसे निकालेंगे, तो तरीका वही है, शिफ्ट के साथ कोलन वाला बटन दबा दीजिए, जो एल के ठीक बाद आपको दिख रहा है, कोलन लग जाएगा। इसके बाद आप बनाइए स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद आपको करना क्या है, एक एक सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो देखिए इसमें दिख रहा है आपको, मैं इसको यहां से थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको दिखेगा। इसमें देखिए ये हिंदी लिखा हुआ है सबसे पहले, तो हमें हिंदी टाइप करना है यहाँ पे, तो मैं टाइप करता हूँ हिंदी HIN। तो यहाँ पे देखते हैं, लगाया नहीं, अभी कुछ लगाया नहीं हमने, ब्रैकेट लगाया है सिर्फ। तो यहाँ पे हम क्लिक रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, बंद करेंगे, प्लस करेंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हो गए, आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों सब्जेक्ट हमने यहां एंटर करा दिए।
तो यहां पे आएंगे परसेंटेज पे और यहां कोलन का निशान लगाएंगे, अब स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे। तो हमने क्या निकाला है, ऑब्टेंड मार्क निकाला, तो यहां लिखिए ऑब्टेंड मार्क, स्पेलिंग सही वही होनी चाहिए जो आपने यहां पे दिया हुआ है, यहां ऑब्टेंड मार्क की स्पेलिंग वही होनी चाहिए, ऑब्टेंड एम ए आर के मार्क, स्क्वायर ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, ठीक है, और इनटू या इनटू ना लगा करके आप एक काम कर सकते हैं, अपॉन कर देंगे हम, क्योंकि पांच सब्जेक्ट है तो 500, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का तो पांच सब्जेक्ट 500 मार्क्स के हुए, तो 500 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और यहां पर रन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ये आ गया है, ठीक है, टोटल मार्क आप यहां 500 दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, तो यहां पर देखिए परसेंटेज आ चुका है, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूं मैं। अब यहां पर दूसरे स्टूडेंट की आईडी लिखता हूं मैं, 65 अंबिका, ये स्टूडेंट का नाम है, और यहां पर इनके मार्क्स होंगे, कोई भी मार्क्स इन्हें जल्दी जल्दी मैं दे देता हूं, तो यहां पे देखिए और यहां पे आप अपने हिसाब से 500 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमको दो नाम और ऐड कराने थे, कौन से रिकॉर्ड में, इस रिकॉर्ड में। यहां पर एक और फील्ड मैंने ऐड कर दिया सिटी का, आप देख सकते हैं इसमें, यहां पर रिकॉर्ड वाले को, इसमें कहीं सिटी नहीं दिख रहा है आपको, देखिए यहां पर सिटी का जिक्र नहीं है, लेकिन यहां पर जो है पीरियोडिक टेस्ट 2 में मैंने सिटी का कॉलम भी ऐड कर दिया है। अब इसमें कैलकुलेट करना है हमें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज और ऑप्टेन मार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और ये वाला हमारा है तो इसको ऐड करा दीजिए और एक एक करके इंसर्ट कराइए, इसको थोड़ा मैं बड़ा भी कर दूं, यहां से स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, सिटी, ये सारी फील्ड्स को हमने ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ कोलन लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद हमें करना क्या है, लाइन बाय लाइन इन सबको ऐड करना है, कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हिंदी, बंद करेंगे, प्लस करेंगे, इंग्लिश, बंद करेंगे, प्लस करेंगे, फिजिक्स, बंद करेंगे, फिर प्लस करेंगे, बंद करने के बाद ध्यान रहे कि ब्रैकेट दो बार तीन बार लगाएंगे तो ये ऐड नहीं करेगा, दिक्कत आएगी, फिजिक्स हो गया, आप केमिस्ट्री कर देते हैं, अब बायो, ठीक है, इतना फील्ड ऐड करने के बाद अब यहां पर आएंगे, देखिए यहां पे परसेंटेज हमें निकालना है, तो अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहां पर सबसे पहले कोलन लगा लीजिए और यहां देंगे ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, और अपॉन कर देंगे 500, तो जितना सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का तो पांच सब्जेक्ट 500 नंबर के, तो यहां हमने 500 दिया है, और यहां पे आपको रन पे क्लिक करना है, जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए परसेंटेज ये ऐसे आ रहा है, क्यों ये ऐसे आ रहा है, यहां पर आपको जाना है डिजाइन व्यू पे और जहां हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया है वहां पर रखिए कर्सर को और यहां फॉर्मेट में जाकर के आप बना दीजिए इसको परसेंटेज और देन रन करवाइए, तो ये एकदम अपने जैसा फॉर्मेट बनाया हमने, जैसा हम चाहते हैं वैसा आ जाएगा। यहां पर इसको मैं नाम दे देता हूं रिकॉर्ड 2, ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको